हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं भाई का चैनल रिव्यू विद दीपक 897। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर आधारित बनी फिल्म दसवीं के बारे में। इस फिल्म के निर्माता है दिनेश विजन और निर्देशक है तुषार जलोटा। संगीत दिया है इसमें सचिन जिगर ने। और कलाकारों की बात करें तो इसमें अभिषेक बच्चन है, यामी गौतम, नम्रित कौर, चितरंजन त्रिपाठी, मनु, ऋषि चड्ढा। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में दिखाया गया है कि अभिषेक बच्चन जो कि एक शक्तिशाली राजनेता होते हैं, जो अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, और एक एजुकेशनल स्कैम के चलते उन्हें जेल भेजा जाता है। और जेल जाने के बाद वो अपनी पत्नी बिमला देवी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देता है। इसके बाद जेल में सामना होता है पुलिस अधीक्षक यामी गौतम से। गंगाराम चौधरी की अकड़ और सनक के आगे ज्योति झुकने को तैयार नहीं होती है। भले ही चौधरी एक शक्तिशाली राजनेता हो, लेकिन ज्योति उससे डरती नहीं है। मामला तब ज़्यादा बिगड़ जाता है जब गुस्से में ज्योति चौधरी को अनपढ़ गवार कह देती है, और गंगाराम चौधरी भड़क जाता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए चौधरी ज्योति को चुनौती देता है कि वो दसवीं की कक्षा में पास होकर दिखाएगा। अभिनय की बात करें, गंगाराम चौधरी के रोमा अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छा काम किया है। अभिषेक बच्चन ने फिल्म में एक हरियाणवी लुक लिया है और बोली भी कुछ उसी तरह अपनाई है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नम्रित कौर की, जो एक देसी लुक में उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया है, और गौतम जो एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नज़र आती है। और ओवरऑल बात करें तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। और फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये है कि एक ऐसे देश में जहाँ कई राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जिनकी शिक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, वहाँ पर इस तरह के मजबूत कंटेंट को लाना वाकई एक काबिले तारीफ है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।